अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। तुलसी तुम तेज चल सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत तेज चल सकती हूँ, चल के बताओ। देखिए बाबू जी, आप भी देखना, देखा बाबू जी हम कितना तेज चले ना, है ना? जो छोटे देवर जी को पसंद आएंगी ना, बस वही अम्मा जी को पसंद आ जाएगी। देखो माँ, अगर की दाढ़ी मूछ लगा दी जाए तो एकदम शिवाजी महाराज जैसी दिखेगी ये। है? कितने व्यस्त रहते हुए भी आपने तुलसी के लिए रिश्ता ढूंढा। कहाँ के लोग हैं? अरे दीदी बस पूछो माँ, लड़का इतना अच्छा है, रिश्ता इतना अच्छा है कि बस आपकी तुलसी राज करेगी। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, आज लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पैसों की कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद है, हाँ घर पर कोई रहता नहीं है, और बाकी बच्चे तो बाहर ही हैं। अच्छा लड़का खेती बाड़ी संभाल लेता है? अरे दीदी लड़का पूरे घर का मालिक है, मालिक। हाँ उम्र थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आजकल लड़के 30 से पहले शादी करते ही कहाँ हैं? कितनी ज्यादा होगी, 8-10 साल? अरे बहुया लड़का की खाट राजसी है, नौकर चाकर सब लगे हैं, अब उम्र से क्या लेना है? हाँ वैसे क्या उम्र होगी? अब दरअसल उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। और उनकी उम्र 55 साल। हमारी बेटी किसी विदुर से शादी नहीं करेगी। भले ही वो कितना भी रईस क्यों ना हो, तुलसी कोई अनाथ लड़की नहीं है, उसका बाप आज भी जिंदा है। भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तुलसी को कभी गैर नहीं समझा, वो तो हमारी बेटी जैसी है। नहीं रघु, अगर तुमने उसे अपनी बेटी माना होता तो कभी ऐसा रिश्ता लेकर नहीं आती। देखिए भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं हमको, हमने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। वो तो दीदी बार बार कह रही थी कि तुलसी की शादी नहीं हो पा रही है, कई रिश्ते उसके वापस हो गए, बस इसीलिए हमने सोचा कि अब शादी हो नहीं रही है तो। किसने कहा कि उसकी शादी नहीं हो रही? आप इन लोगों पे काहे को गुस्सा हो रही थी? एक रिश्ता आया था तो बताने आ गए। बात रिश्ता लाने की नहीं है तुलसी की अम्मा, बात यह है कि इन लोगों ने ऐसे रिश्ते की सोची भी कैसे। अरे 55 साल के आदमी के साथ 18 साल की लड़की की शादी, शर्म भी नहीं आई रखो तुम्हें? देखिए जी बेटी हमारी है, हम शादी करें ना करें हमारी मर्जी। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, जब आपने मना कर ही दिया तो बात ही खत्म हो गई।
मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम्हारी सोच पे रघु। लेकिन चाचा जी करते भी क्या? आपने तुलसी की हरकतें देखी? उन्हें देखकर कोई भी अच्छे खानदान वाला परिवार वाला कम से कम तुलसी से ब्याह तो नहीं करेगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे, ऐसी सोच है तुम्हारी। अरे चार पैसे क्या कमाने लग गए, घर में बड़ों के रहते हुए दखलंदाजी करने लगे। दखलंदाजी नहीं कर रहे, जो तुलसी की सच्चाई है बस वही बता रहे। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी तुलसी पागल है? हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जैसा उसका बात व्यवहार है उससे कोई क्या समझेगा। बहू, भाषा सीखने और गणित बना लेने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। मेरी बेटी तुलसी जैसी लड़की पूरी दुनिया में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। अच्छा तो ठीक है, अब से रघु चाचा अपना सारा काम छोड़ के आपकी बेटी के लिए लड़का ढूंढने तो नहीं जाए। मैंने कब कहा कि मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढो? क्यों कहा रघु मैंने कभी तुमसे? बताओ कहा मैंने कभी? तो ठीक है, अब से ये भी अपना सारा काम छोड़ के आपकी बेटी के लिए लड़का नहीं ढूंढने जाएंगे। बहू क्या कह रही हो तुम? माँ जी मैं वही कह रही हूँ जो बाबूजी सुनना चाहते हैं। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। अरे हम कर लेंगे अपनी लड़की की शादी। अरे शादी ब्याह में परिवार मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और पूरे घर को संभालने वाला ये एक ही तो है। रुपए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। अरे अगर तुम्हारा बेटा रुपया पैसा नहीं भी लगाएगा शादी में तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। मैं सारी जमीन जायदाद बेचकर भी अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। आप शांत हो जाइए, पूरे परिवार पर गुस्सा उतारेंगे क्या? ये देखो माँ, मेरा वाला लीची से ऊपर गए, देखा? चाची ये देखो। सुनिए जी, अब हम लोग को चलना चाहिए, नैना घर पे अकेली है। भाभी जी प्रणाम। नमस्ते। भैया माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। आप यहाँ बैठे हैं? सो रही है, मगर इसे दूध पिलाना है। सो रही है मेरी बेटी, मीठे सपने देख रही है, मगर दूध पिलाना भी जरूरी है। उठाइए जरा। अरे जगाओगी तो उसके सपने टूट जाएंगे। जितना हम इसे लाड प्यार करते हैं, क्या इसका पति भी इसे उतना ही प्यार देगा? क्यों नहीं, जरूर करेगा। ऐसे बच्चों का तो ईश्वर खुद ख्याल रखते हैं। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बच्ची को
थोड़ी अक्ल दे, समझदारी दे। दुनिया में जब से अकलमंद और समझदार लोग बढ़ रहे हैं तुलसी की माँ, उतने ही उपद्रव बढ़ रहे हैं। मालूम है आज आश्रम के वार्डन क्या कह रहे थे तुलसी के बारे में? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बहुत ही ईमानदार और समझदार लड़की, नफा नुकसान के हिसाब में नहीं पढ़ने वाली। सोना है हमारी बेटी, सोना, खरा सोना, इसे हमेशा प्यार दीजिएगा। ये दया की पात्र नहीं, प्रेम की हकदार है। वो हाथ लगाए मिट्टी में मिट्टी सोना बन जाती है। ओ, लाज हया सब छोड़ छाड़ के छुई मुई तन जाती है। लिपट गई जो धूल पाँव में किस्मत पे इतराती है। राहें राह निहार रही है, पगडंडी बल खाती है। लगता यहाँ फरिश्तों ने कोई सपना बुना है। तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, 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 तुलसी मोरे। जब मैं लोगों की बात सुनती हूँ ऐसा लगता है न जाने हमारी बच्ची का क्या होगा। नौ आठ ये आठ नौ बाबूजी किसका नंबर है? जरा मिला ना अपने फोन से। लेकिन ये नंबर है किसका? अरे ददन चौबे का है। उनके गांव में एक लड़का देखा है, जूनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अरे तुलसी के रिश्ते की बात करनी है। अब ये क्यों बात करेंगे तुलसी के रिश्ते के लिए? बाबूजी कल तो आपने कहा था कि आप रिश्ता कर लेंगे, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब रहने भी दो। ये रिश्ता भी मैंने ही ढूंढा है, मैंने तो सिर्फ फोन करने के लिए कहा है। अगर उसमें भी जोर पड़ रहा है तो रहने दो। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप बता रहे थे कि लड़का जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है। तो कोई जूनियर इंजीनियर शादी करेगा हमारी तुलसी से? अरे क्यों नहीं करेगा, क्या कमी है हमारी लड़की में। अरे घर गृहस्थी शादी के बाद संभाल लेगी। अच्छा बुरा मत मानिएगा बाबूजी, एक बात कहें, जिस लड़की को चाय तक बनानी नहीं आती वो गृहस्थी संभालेगी, तो आप भी जानते हैं। शेखर बेटा जब बाबूजी कह रहे हैं तो कर दो ना फोन, बात करने में हर्जी क्या है। माँ जी बात भी वहीं चलाई जाती है जहाँ बात बन सके। सोचने वाली बात नहीं है, पिछले चार लड़कों ने मना क्यों कर दिया? उन चार लड़कों के परिवार वालों में वो आंख नहीं थी जो तुलसी को देख सके। महाभारत में आंखें तो सिर्फ धृतराष्ट्र के पास थी, बाकी तो सब अंधे थे। तुम क्यों बहस कर रही हो? ऐसे मत बोलो बहू, हमारी तुलसी तो तुलसी का बिरवा है जो हर आंगन को पवित्र रखता है। किसे समझा रही हो तुलसी की माँ? अरे इसकी वो नजर नहीं जो तुलसी को परख सके। जब कोई दूसरा उस नजर से परख ही नहीं सकेगा तो कोई शादी के लिए कैसे आएगा? जिसको आना है वो आएगा और जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा रिश्ते के लिए। अच्छा रघु चाचा इतना अच्छा रिश्ता लेके तो आए थे। शेखर बहू से कहो कि रघु के लाए रिश्ते की जिक्र ना करे, इसी में अच्छाई है। अरे कंचन ये क्या बोल रही हो तुम, अब चुप भी करो। बाबूजी मैं नंबर पे फोन कर देता,
लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम। रहने दो शेखर, मैं खुद ही फोन कर लूंगा और खुद ही चला जाऊंगा। अरे बाबू जी, आप बुरा मत मानिए, मैं सच में काम में फंसा हूँ। मैं समझ गया बेटा, आपको देर नहीं हो रही, ले लीजिए जाइए। चलता, हम तो खुद ही चाहते हैं कि इस घर में कोई राजकुमार आए और इस घर की राजकुमारी को लेके जाए, लेकिन कोई राजकुमार आए तो सही। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये कल मजे दीपल साहब पे का था, याद है? हाँ। अरे बहुत मजा आई थी ना? हाँ, बहुत मजा आई थी। और हम लोग बच गए, वरना हमारी पिटाई होती। मारो मत दीदी, मारो मत, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। बुआ मारो इसे, बहुत देर से आया है। हाँ दीदी, मारो इसे। बोलो, देर से क्यों आया? क्या था ना कि अम्मा ने कल भिंडी बनाया था और उस वजह से मेरा पेट खराब हो गया। ए तू चुप रे, पेट खराब हो जाता है तेरा। ए चुप कर, लीची लीची चुप। अब बताओ दीदी क्या करना है? इधर बुधनी का किया ना? हाँ। उनकी खेत के टमाटर देख, कैसे बड़े बड़े पक गए हैं। हाँ सही कह रहा है दीदी। हाँ और लाल लाल भी। पर वो कपिल है ना, वो उनके खेत में बैठा होगा अभी। हाँ बुआ। दीदी वो देखो। अच्छा सुनो, अगर हम उसके लोटे का पानी गिरा दे तो फिर वो वहीं बैठा रहेगा। वही तो, और इतनी देर में हम सारे टमाटर लेके भाग जाएंगे। लेकिन उसका लोटा गिराएगा कौन? बोलू? नहीं मैं नहीं करूंगा, लोग जाओ। नहीं तू, नहीं तू, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। अरे तू चुप, तुम सब चुप रहो, बस देखते जाओ। टमाटर लेके आती हूँ, और अगर कोई आए ना तो मुझे इशारा करना। हाँ ठीक है। अरे तुम लोग क्यों आ रहे हो? तुम लोग को बोला ना यहीं रुको, अगर कोई आए तो मुझे इशारा करना। हाँ अरे वाह, टमाटर तो पहले से ही तोड़ के रखे हुए। यही बोलना चाह रही है ना? कल तूने? अरे कल मैं नहीं आई थी, कल कोई और आया था, मैं तो कल आश्रम गई थी। हाँ बहुत दिनों से बच रही थी, आज पकड़ में आई है। अरे कल मैं नहीं आई थी काकी, कल मैं आश्रम गई थी, आपको याद है ना, कल आपके सामने ही तो मैं आश्रम चली गई थी। लेकिन आज तो तूने चुराया है ना टमाटर ये? हैं? बस इतने ही तो चुराए काकी, चार ही तो टमाटर है। मैं जानती थी कि तुम तुम्हारी मंडली को लेकर यहाँ आओगी चुराने, इसलिए मैंने मोहना को वहाँ छुपा दिया था तुम्हारी निगरानी रखने के लिए। ले लीजिए, थारे ले लीजिए आप। देख आज तू रंगे हाथों पकड़ी गई है, और आज तुझे मैं गांव वालों के सामने लेके जाऊंगा। बिल्कुल, आज नहीं छोड़ने वाला। हाँ चलो ले चलो, आप लोग देते नहीं है तो क्या करे, चुराने पड़ते। मेरी नानी कहा करती थी कि खेत से जाते हुए ना फल और टमाटर सबको बांटते हुए जाना चाहिए। हाँ, तेरी नानी का खेत है ना? है? नानी का खेत है, यहाँ नहीं है, मामा के गांव में है। मामा के गांव में तो छोड़ दूँ तुमको?
हैं? बोलो बोलो, छोड़ दूं? तुलसी, तुझे एक शर्त पे छोड़ेंगे, अगर तू अपनी तोतली आवाज में पलदेशी पलदेशी वाला गाना सुनाएगी। अगर मैं वो गाना गाऊंगी तो आप लोग मुझे जाने देंगे? तुलसी, तू चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, ये तेरी तोतली आवाज जो है ना बहुत प्यारी लगती है। अरे काका, अब मैं तोतली जबान में थोड़ी ना गाती हूँ, अब तो मैं साफ साफ गा सकती हूँ। अच्छा अब मैं जाऊँ। तो फिर आएंगे। अब का बता ही दीदी, नैना के बाबूजी ने रात में खाना तक नहीं खाया, बहुत दुख पहुंचा उन्हें भाई साहब की बातों से। वो तो बहुत पछता रहे थे कि हम काहे के लिए ये रिश्ता बात लेके गए। अरे नहीं शोभा, इसमें देवर जी की क्या गलती, वो तो हमारा भला ही चाहते थे ना। लेकिन दीदी, भाई साहब ने अपने तरफ से कोनो कसर नहीं छोड़ी। अरे ना जाने का का कह दिया उन्होंने। एक बात हम सच सच कहें दीदी, जब ये रिश्ता हम लोग के पास आया ना, तो हम दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से सोचा विचार किया, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि तुलसी का चार चार जगह पे रिश्ता लगा और चारों ने मना कर दिया। तो हमने सोचा कि चलो इसी बहाने बात तो कर दे। अरे नहीं, वहां तो कुंडली ही नहीं मिली। अरे दीदी, वो भी एक मना करने का तरीका ही होता है ना।